आम आदमी पार्टी के मुअत्तल किए गए संसद मैंबर सुशील कुमार रिंकू का संसद भवन कंपलैक्स में धरना अज भी जारी रहा। इस मौके उन्होंने खुद को संगलियों में कैद करके केंद्र सरकार के खिलाफ रोस झाड़ किया। इस मौके रिंकू ने कहा कि केंद्र सरकार ने विरोधी संसद मैंबर खिलाफ तानाशाही रवैया संसद में अपनाया होया। आम आदमी पार्टी के संसद मैंबर सुशील कुमार रिंकू ने कहा कि हुण समा आ गया जदों केंद्र सरकार को गद्दी खुद ही छड्ड देनी चाहिए है, नहीं तो देश की जनता उसनू 2024 आने वाली लोकसभा चोणों में रुखसत कर देगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बौखलाहट में आ चुकी है तो हुण सब तो वध तिखे वार आम आदमी पार्टी के संसद मैंबरों उत्ते कर रही है। जिहड़ा लगातार प्रदर्शन संसद के बाहर जिहड़ा चल रहा सी जिहदे विच लोकतंत्र नूं बचाने के लिए, क्योंकि इस वेले जिहड़ी केंद्र की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वो देश नूं अपने तरीके दे नाल चलाना चाहते हैं और देश के दे लोकतंत्र के चारों पिलर जिहदे विच विधायिका न्यायपालिका कार्यपालिका और देश का जिहड़ा मीडिया का कुछ घराने जिहड़े आ उन्हां नूं अज जिहड़ा गुलामी दीआं जंजीरां च चकड़िया। देश दे विच अज लोकां दे विच इक डर दा माहौल है। देश दा व्यापारी, देश दा किसान, देश दा छोटा कारोबारी, देश दे विच रहण वालियां वख-वख जातां दे शड्यूल कास्ट, शड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लासिस जिहड़ी इह लोग आ अपने आप दे विच इक डर दा माहौल जिहड़ा महसूस कर रहे आ कि किस तरीके दे नाल अज हर चीज़ नूं केंद्र की सरकार प्रेशराइज कर रही है। देश दे जिहड़े लोग है वो न्याय लैण दे लई न्यायपालिका दे विच जांदे आ और अज सुप्रीम कोर्ट साढ़े पंज जज साहबान उन्हां दे कीते हुए जिहड़े फैसले आ उन्हां नूं अज देश की सरकार है जिहड़ी उन्हां फैसलियां नूं मन्नण दे लई तैयार नहीं। अगर कोई मैंबर संसद दे विच लोगों की आवाज़ लोकतंत्र की आवाज़ उठाता अज उस मैंबर नूं सस्पेंड कर दिता जाता जिहदे विच अधीर रंजन चौधरी साहब संजय सिंह जी नूं सस्पेंड किया, तुहाडे छोटे भी नूं सस्पेंड किया। सो सस्पेंशन का सानूं कोई डर जां कोई भय नहीं है। इस देश दे लोकतंत्र नूं बचाने के लिए भावें जान भी चली जाए तो इस गल की भी कोई